आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, मैं आपके साथ श्वेता। पटना में पंजाब नेशनल बैंक डकैती कांड का खुलासा, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना में पिछले 22 जून को अनिशाबाद पीएनबी शाखा से लगभग 52,33,500 डकैती करने वाले 5 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने 45 लाख रुपए भी बरामद कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 27 जून को ही हमारी टीम को अहम सुराग मिल गया था। बैंक डकैती को सुलझाने के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई। 13 सिपाहियों और 9 अफसरों ने दिन रात छापेमारी की। हमारी टीम ने 45 लाख रुपए व स्वर्ण आभूषण बरामद किए। इस गिरोह का मुख्य सरगना अमन कुमार जक्कनपुर इलाके का रहने वाला और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। पूछताछ में एक लुटेरे ने बताया कि डकैती के रुपयों से उसने शराब खरीद ली थी। पुलिस ने शराब को भी बरामद कर लिया। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी स्थानीय बताए जा रहे हैं। चलेंगे, बिकॉज ये अविश्वसनीय है कि 3 घटना करने वाला गैंग अचानक से बैंक डकैती कर देगा। पहला घटना ये बताते हैं हाउस डकैती एसके पुरी में 15 में। दूसरा घटना बताते हैं फरवरी 2020 में फर्स्ट क्राइम में लूट। और तीसरा घटना बैंक डकैती। ये क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती है। इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी, इसलिए हम लोगों ने शेयर किया है। बॉर्डरिंग जो वैशाली जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ के एसपी से भी हम लोगों ने इनका फोटो शेयर किया है। जेल में भी हम लोग सर्च करवा रहे हैं कहीं ये लोग बेल पे छूटे हैं क्या। ये स्पष्ट अब तक हो पाया है कि पटना से ये जेल नहीं गए थे, बेऊर में जेल में इनका अभी तक लेखा जोखा नहीं मिला। जैसे एक अपराधकर्मी जो है उसने कुछ पैसों को शराब के खरीद में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो उसके निशानदेही में 85,000 का शराब भी बरामद हुआ है। उसका अलग से केस एसके पूरे थाना क्षेत्र में हो रहा है। जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनका मुख्य सरगना अमन कुमार है, जिसका मैंने बताया कि पेशे से वो इंग्लिश टीचर है। दूसरा है सोनेलाल, ये रहने वाला है गोसाई टोला बुद्धा कॉलोनी का। यह शटरिंग मिस्त्री का काम करता है, पहले गुजरात केरला में भी काम कर चुका है, 3 साल से बिहार में। तीसरा मेन व्यक्ति जो है ये हरि नारायण है, ये आर के नगर क्षेत्र रहने वाला है। ये कराटे टीचर है और जिम इंस्ट्रक्टर का काम ये करता रहा है। चौथा व्यक्ति प्रफुल्ल कुमार है, ये पेशे से कंपाउंडर है। इसका अपना सो कॉल्ड क्लिनिक चलता है बोरिंग कैनाल रोड में, रिलायंस ट्रेंड्स का जो शोरूम है उसके बगल में। उसके बाद पांचवा व्यक्ति जो है वह है गणेश कुमार उर्फ ननकी। ये पहले जेल जा चुका है, शराब पीने के जुर्म में जेल के ऊपर गया है। इसका भी जो ठिकाना है यह बुद्धा को, ये राजापुर पुल के आसपास इसका निवास है। जब पूरी घटना का उद्भेदन हुआ तो जो कहानी निकल के आई वो ऐसी थी कि ये पांचों लोगों में से कोई भी व्यक्ति पहले जेल नहीं गया। हालांकि ये लोग 5 साल से लगातार सक्रिय रहे हैं। इन्होंने कुबोला के 2015 में भी एक बहुत चर्चित घटना हुई थी एसके पुरी क्षेत्र में, जानकी निवास में जो गैस एजेंसी के मालिक थे उनके यहाँ डकैती घटना हुई थी, उसमें ये लोग संदिग्ध इन्वॉल्व थे। आज से 3 महीने पहले 23 फरवरी को फर्स्ट क्राई, ये कंकड़बाग में जगह है, फर्स्ट क्राई दुकान है, खिलौने की दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे, उनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था। कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनिसाबाद गोलंबर स्थित की जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशा से अपराधी ये है, इसका दूसरा पेशा कोचिंग है। और न सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है, अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स इसे पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। इन लोगों के मन में ये बात है कि लगातार ये लोग अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं पिछले 5 साल। तो इस बार इन लोगों ने इसके टारगेट किया था कि इसके रूट में पढ़ता था, जब ये घर जाता था पोस्टल पार्क चक्कनपुर में, तो उसके रूट में पढ़ता था बैंक, सभा उसको टारगेट किया। ये और इसका दोस्त हरि नारायण, हरि नारायण जो है वो गांधी मैदान में कराटे सिखाता था और ये गांधी मैदान में दौड़ने आता था। गांधी मैदान में ही इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने लिंक्स खंगाले, तो आपस में ये लोग
किसी किसी से पूछ के लड़कों को जुगाड़ किए। तो फिर बुद्धा कॉलोनी में हरि नारायण रह चुका था पहले, तो वहाँ से फिर अपने कॉन्टैक्ट से उसने सोनेलाल को, गणेश को और प्रफुल्ल को जोड़ा और फिर प्लान सेट हुआ ये बैंक डकैती करना। गांधी मैदान के पास सुबह ही लोग 9 बजे इकट्ठा हुए और 9 बजे के बाद ये लोग सब लोग, पल्सर मोटरसाइकिल होती है जो कि बरामद हो गई है, एक सिटी डिलक्स मोटरसाइकिल है जो बरामद हो गई है, एक और मोटरसाइकिल है चूँकि एक अपराधी बाकी पकड़ाना तो हम लोग नहीं बरामद कर पाए, दूसरी गाड़ी बरामद हुई, क्राइम इस्तेमाल नहीं हुई। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।